अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्लीज़ बेल आइकॉन प्रेस करिएगा ताकि मज़ीद नोटिफिकेशंस भी आपके पास पहुंचती रहें। दो तीन दिन से मैं इस पर नहीं कर सका क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था और ज़रा सा मुश्किल होता है, और फिर जब मैं मोबाइल से करता हूँ तो लोग उस पर कंप्लेंट करते हैं कि जी आप मोबाइल से क्यों कर रहे हैं, आपकी वीडियो की HD क्वालिटी नहीं है, ये नहीं है। तो बहरहाल एनीवे हो क्या रहा है कि फेसबुक अकाउंट्स और ट्विटर अकाउंट्स और बंद होना शुरू हो गए हैं लोगों के, और हो रहे हैं। आपको पता ही है कि जो भी कश्मीर के ऊपर थोड़ी भी बात करता है या जो ऐसी बात करता है जो इंडियन सरकार को, हिंदुत्वा की तहरीक को, या अगर वो नाटसी रजीम के जो आज कल दिलदादा हैं मिस्टर मोदी, अगर उनको बुरी लगती है तो वो अकाउंट्स जो हैं फौरी तौर पर ब्लॉक हो जाते हैं। उसकी एक वजह यह है कि एक बहुत बड़ी तादाद है इंडियन IT प्रोफेशनल्स की जो मुख्तलिफ IT आउटलेट्स में, मुख्तलिफ सोशल मीडिया आउटलेट्स में वो की पोजीशंस के ऊपर मौजूद हैं, और हमारे सोच से उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें अपनी खुद अपने आप के लिए अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन भी है और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी है। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो यह है कि हम जैसे फेसबुक के अल्टरनेट कोई मीडियम है उसको हम पकड़ लेते हैं, या ट्विटर के अल्टरनेट कोई मीडियम है, या व्हाट्सएप के अल्टरनेट कोई मीडियम है, जो कि हैं, बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है, तो हम उसको यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। दो दफ़ा जब इमरान खान, मरियम नवाज़, बिलावल भुट्टो जरदारी, जनरल आसिफ गफूर और ये सारे मिलकर किसी एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे तो वो प्लेटफॉर्म आपके और हमारे लिए खुद ही इस काबिल हो जाएगा कि हम उसके ऊपर आके उसको फॉलो करना शुरू हो जाएंगे। या फिर PTV के थ्रू जो एक तरीका था कि इमीडिएटली न्यूज़ वगैरह रिलीज़ हो, पूरी दुनिया PTV से वो न्यूज़ ले ले, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मे बी 5 मिनट बाद आती है सोशल मीडिया पे, कोई ज़्यादा मेरे हिसाब से तो कोई इतना बम नहीं गिर जाएगा कि खुदा न खास्ता अगर मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि मैंने कल हड़ताल की कॉल देनी है, वो 5 मिनट के बाद आ जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन ये एटलीस्ट उनके फॉलोअर्स को, हुकूमत के फॉलोअर्स को, मेरे और आपके और हर एक के फॉलोअर्स को ये पता अगर हो कि हम कोई अल्टरनेट मीडियम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको कर सकें। और ये आज की चीज़ नहीं है, मैंने इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया था जब मैं ARY पे था और मेरी रेटिंग उस वक्त नंबर 1 रेटिंग आ रही थी, और जब मैंने ये प्रोग्राम किया तो ऑब्वियसली रेटिंग को तो फ़र्क पड़ना था क्योंकि रेटिंग वालों को उनके दिल पर लगी थी बात ये। और हमने ये बताया था कि किस तरह जब भी हम कश्मीर के ऊपर करते हैं या कोई ऐसा प्रोग्राम करते हैं कि जो हमारी आइडियोलॉजी के करीब होता है तो उसकी रेटिंग किस तरह से गिराई जाती है या किस तरह से कम होती है, लेकिन अगर वैलेंटाइंस डे पे करते हैं या कोई और किसी डे पे आके करते हैं तो सडनली वो प्रोग्राम जो है वो एकदम से लगता है कि वो बहुत देखा गया। तो वो ट्रेंड्स बदल रहे थे एडवर्टाइजर्स के, कि एडवर्टाइजर्स जो हैं वो ऐसी चीज़ों को सपोर्ट ना करें जो है उनकी आइडियोलॉजीज़ को निगेट करती हैं या उनके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ अगर जाती हैं, और वही चीज़ अब उनको सोशल मीडिया पे फोर्सिबली करनी पड़ रही है। मसलन यहाँ पे एडवर्टाइज़र तो नहीं है जिसने इश्तहार देने हैं ट्विटर के ऊपर मेरे थ्रू या किसी और के थ्रू, तो वो क्या करते हैं कि जी अकाउंट को बंद करा देते हैं या अकाउंट को ब्लॉक करा देते हैं कि अच्छा यानी जाएं और रोलें और आंसू बहालें। तो उसमें एक तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन मैंने दिया, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन उसमें यह है कि अगर तमाम पाकिस्तानी आज अहद कर लें, और अहद करने का तरीका यह है कि आप अहद करते हैं, आप इसी मैसेज के नीचे, इसी जो वीडियो मैसेज है मेरा इसके नीचे आप मुझे मैसेज भेजते हैं, और अगर 1 मिलियन क्रॉस करते हैं, लोग मानते हैं 1 मिलियन के हाँ जी हमने हम तैयार हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है फिर प्राइवेटली हुकूमत के मदद से नहीं कि हम अल्टरनेट फोरम्स आपको क्रिएट करके दें, चाहे वो फेसबुक के हों, चाहे वो ट्विटर के हों, चाहे वो व्हाट्सएप के हों। देखें बेसिकली होता क्या, एक यू मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, किसी को अच्छी लगे बात, किसी को ना अच्छी लगे, कि इन सारी चीज़ों के लिए सक्सेसफुल करने के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट एक पहलू है कि जितने ज़्यादा लोग किसी एक सर्विस को इस्तेमाल करेंगे वो सर्विस जो है वो पॉपुलर हो जाएगी और वो सर्विस जो है उसकी रेटिंग बढ़ जाएगी। और अब उसके बाद क्या है कि अगर आप एक सर्विस क्रिएट करते हैं और उसमें एक एडवर्टाइजिंग सपोर्ट नहीं होती है तो उसका जो बैकएंड का एक्सपेंस है
वो एक इतना ज़्यादा होना शुरू हो जाता है उसको मेंटेन करने के लिए कि बार बार वो डाउन ना हो, बार बार वो हैक ना हो, बार बार उसमें कोई इश्यूज ना हो, टेक्निकल इश्यूज ना हो, तो उसके लिए आपको एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करनी है। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट उस वक्त होगी या वो एडवर्टाइजर्स को या स्पॉन्सर्स को, उन लोगों को उस वक्त समझ आएगी कि हम इस मीडियम पे लगाएं, कि जब वो देखेंगे कि आप और हम मिलकर उसको एक बहुत बड़ी तादाद में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेट्स से अगर 1 करोड़ पाकिस्तानी एक ऑल्टरनेट फेसबुक का उसको इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं, तो तमाम आपके एडवर्टाइजर्स वगैरह जो हैं उनके एंटेनास खड़े हो जाएंगे, उनके उनके मार्केटर्स जो हैं उसको वो कॉस्ट पर कंज्यूमर के हिसाब से उसको कैलकुलेट करना शुरू हो जाएंगे और वो उसको यूज़ करेंगे। उनको तो व्हीकल्स चाहिए, उनका कसूर नहीं है, उनको हर वो व्हीकल चाहिए जो एक पॉपुलर व्हीकल हो या जिसके ऊपर एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल हो कि जी इतनी उम्र के बच्चे यूज़ करते हैं इसको, इतनी उम्र की ख़वातीन यूज़ करती हैं, ये इनकम ब्रैकेट्स हैं, ये उनके डेमोग्राफिक्स हैं, सारा उसमें वो डेटा उनको मिलेगा, दैट विल हेल्प देम टेक अ बेटर डिसीजन। और ये 1 महीने के अंदर बन सकता है, ये कोई इतनी लंबी और दूर की बात मैं नहीं, दूर की कौड़ी नहीं कह रहा, मैं हवा में बात नहीं कह रहा, 1 महीने में बन सकता है। अगर 1 मिलियन लोग मुझे यहाँ पर मैसेज करते हैं, मैं अल्लाह ताला की मदद से आप लोगों को वादा करता हूँ कि मैं आपको एक फेसबुक का ऑल्टरनेट ज़रूर एक यानी दिखा दूंगा। उसके बाद टेक्निकल लोगों का काम है कि वो आगे आएँ और वो उसको चलाएं, क्योंकि मैं टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं है मेरी, मैं लोगों को जमा कर सकता हूँ, मैं एक साथ उनको कर सकता हूँ, मैं क्रिएट करवा सकता हूँ उनसे, लेकिन मैं ख़ुद वो टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, आईटी को मैं नहीं समझता उतनी अच्छे तरीके से, लेकिन ये हो सकता है और ये बड़े आसानी से हो सकता है। और मैंने अभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में वहाँ पे बहुत लोग थे, उसमें ऑनरेबल मिनिस्टर जो थी फिरदौस आशिक अवान साहिबा, वो उसको प्रेजाइड कर रही थी मीटिंग को, तो मैंने एक पाकिस्तानी कंपनी से वहाँ प्रेजेंटेशन भी दिलवाई उनको कि जिन्होंने एक फेसबुक का प्रोटोटाइप तैयार भी करके रख लिया है। अब जो है सब कुछ हो सकता है, इफ़ दैट कंपनी इज सपोर्टेड, अगर उनकी आपको वो नहीं पसंद, कोई और पसंद है वो उसको सपोर्ट कर लें, लेकिन करें पाकिस्तानी कंपनीज को अगर आप सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करते हैं एज एन ऑल्टरनेट मीडियम, तो ये खुद जो है राहें आपके लिए खुलना शुरू हो जाएंगी। और स्पेशली अगर ओवरसीज पाकिस्तानी जिनकी तादाद 7 मिलियन की है, अगर वो उनको यूज़ करते हैं तो फिर स्काई इज़ द लिमिट, और फिर लोग आएंगे उस पर, क्यों नहीं आएंगे, नॉन पाकिस्तानीज भी उसके ऊपर आएंगे, कि जहाँ 22 करोड़ लोगों का एक सर्च इंजन हो, वो बहुत बड़ी एक कंज्यूमर मार्केट है पूरी दुनिया के लिए, तो उसको हम उस तरह से यूज़ करें तो मेरा ख्याल है कि बड़ा फ़ायदा होगा। सोशल मीडिया जो है ये अब हमें दिखा रहा है कि हमें सोशल मीडिया का, ये मेन स्ट्रीम मीडिया का ऑल्टरनेट तो आ गया था, लेकिन अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स भी हमें चूज़ करने पड़ेंगे या अपने क्रिएट करने पड़ेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2 नंबरी की एग्जांपल देता हूँ, कि आपने सनी लियोनी की न्यूड वीडियोस या पॉर्न वीडियोस देखनी हो तो वो आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगी, वो गूगल पे भी मिलेंगी, वो डेली मोशन पे भी मिलेंगी, वो आपको इंस्टाग्राम पे भी मिलेंगी, वो स्नैपचैट में भी उसकी न्यूड्स मिल जाएंगी, वो एडल्ट कंटेंट आपको हर किस्म का वहाँ पे मिल जाएगा जो बच्चों की पहुँच से दूर होना चाहिए। उसको रोकने के लिए कोई इतनी एफर्ट नहीं करेंगे, सिवाय एक पहले कार्ड आ जाता है एफिडेविट, जिसमें आप एफिडेविट देते हैं कि जी आई एम ओवर 18 और मैं बच्चों को जानता हूँ जो 8-8 साल के बच्चे हैं और वो 40-40 साल की उम्रें बना के वो उसको यूज़ कर रहे हैं, यानी उसमें मुझे नहीं पता किस तरह का कंट्रोल हो सकता है, ये तो कोई टेक्निकल आदमी बता सकता है कि हो भी सकता है या नहीं हो सकता, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि हर किस्म की घटिया चीज़ जो है वो इन सर्च इंजन्स के ऊपर मौजूद है, लेकिन अगर आप कोई ह्यूमन राइट्स के ऊपर कश्मीरियों के लिए कोई आप आवाज़ उठाते हैं तो उसको दबाने के लिए सारे जो है मुतहर्रिक हो जाते हैं, या उसको ऑफलोड करने के लिए सारे जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हमें अगर एक कौम की हैसियत से हमें तरक्की करनी है आगे, तो अगर चाइना कर सकता है, डेनमार्क कर सकता है, अगर और ममालिक कर सकते हैं, अपनी अपनी ज़ुबान में भी कर सकते हैं, तो व्हाट इज़ स्टॉपिंग अस, हमारे पास यूथ है जो हमारा एसेट है और जो बहुत ही क्वालिफाइड है स्पेशली आईटी वगैरह में, और हमारी यूथ जो है वो पेट्रियाटिक भी है, वो जो है वो डायरेक्शन चाहती है, अगर हम उनको डायरेक्शन सही देते हैं और हम इस तरह किस
पता नहीं कितने प्रोडक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं और कितनी मोबाइल एप्लीकेशन जो हैं हम क्रिएट कर सकते हैं. द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान एज आई सी इट इज टू डिवेलप एंड प्रमोट इट्स ओन वेरी ओन सोशल मीडिया. इफ यू एग्री विद मी लाइक द वीडियो, क्लिक द बेल आइकॉन, सब्सक्राइब द वीडियो और कमेंट छोड़ना शुरू करें. अगर 1 मिलियन कमेंट्स आ गए तो मेरा आपसे वादा है फेसबुक का ऑल्टरनेट आपको दूंगा. इंशाल्लाह व्हाट्सएप का भी क्रिएट करवा सकते हैं. ट्विटर का भी मैं नहीं कह सकता, उसका मुझे जरा स्टडी करना पड़ेगा मॉडल, क्योंकि दैट इज़ अ बिट कॉम्प्लेक्स, बट ये दो तो हो सकते हैं. अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.